बच्चन आए दिन किसी न किसी चर्चा में बने रहते हैं और अब वे अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम को लेकर विवादों में घिरे हैं। 3 जून को हो रही रिलीज इस फिल्म का पहला गाना पथाला पथाला रिलीज हुआ है, जिसको लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस गाने का विरोध भी हो रहा है, जिसकी वजह से कमल हसन अब कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। पुलिस ने कमल हसन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल ये गाना कमल हसन के द्वारा ही लिखा गया है और गाया भी गया है। इस गाने में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र के द्वारा दिया गया है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि इस गाने में सरकार का मजाक उड़ाया गया है और इससे देश का धार्मिक स्नेह भी खराब हो सकता है। इसी कारण चेन्नई में कमल हसन पर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने मामला दर्ज कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सेल्वम ने एतराज जताते हुए मद्रास के हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गाने की कुछ पंक्तियां नहीं हटाई गई तो वह फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये गाना म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर पसंद किया जा रहा है और यूट्यूब पर ट्रेंड में चल रहा है और इसके 14 मिलियन से ज्यादा भी व्यूज आ चुके हैं। आपके इस गाने को लेकर क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद।